जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल बीएड लर्न इन ओडिया। आज पढ़ा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट वन फोर सेमिस्टर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड इट्स बेनिफिट। कौन जानवा व्हाट इज द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन वुमेन मानकर पाठपढ़ा तांकर एजुकेशन रो इम्पोर्टेंस कौन, से माने एजुकेटेड हेले कौन करिपारिबे एवं तांकर एजुकेटेड हबा केते दरकार से विषय पढ़ा। जदि वुमेन मैंने एजुकेटेड हूँ ताहले तार बेनिफिट्स कौन सको आम जानवा। स्टार्ट करवा फोर सेमिस्टर एग्जाम आगे आसूसी, तेणु आशा करुच्ची मो भिड भल लगे, सेयार कर सांग मान सहित निजे शुणब, जदि भल लगे निश्चित भाव कमेंट कर सब्सक्राइब भी टी करदेव। स्टार्ट करवा वुमेन एजुकेशन रेफर्स टू एवरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन that aims at improving the knowledge and the skill of women and girls. The women education refers to every form of education. Women's education kahile kona what is the improving of knowledge, how we can improve the knowledge of the women or the girls, or how we can skill them and empowering them. दैट इज द मेन मोटो ऑफ द वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन कहले आम यहाँ बुझा जे वुमेन मानक एम्पायर करने से स्किल को डेवलपमेंट करने नॉलेज को इम्प्रूव करने जो स्पेसिफिक गोटे एजुकेशन बा नॉर्मल एजुकेशन आम समस्त को दबा दरकार जे वुमेन मैंने केमती एजुकेटेड हो पारे। इट इनक्लूड्स जेनेराल एजुकेशन आट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एटा गोटे गोटे जनरल एजुकेशन जहाँ आमर स्कूल कॉलेज जो पाठपढ़ा होची बाकी समस्ते पढ़ा दरकार। वुमेन मानक एम्पावर करने प्रथम एजुकेटेड करवा दरकार, एजुकेशन प्रति तांकर इंटरेस्ट अवेयरनेस क्रिएट करवा दरकार। एजुकेशन कौन आम लाइफ रे चेंजेस आणुच्ची वुमेन मैंने निहाती बुझा दरकार, तार फैमिली बुझा दरकार, एवं गर्ल्स आ वुमेन मानक एनकरेज करवा दरकार एजुकेशन को अडप्ट करने। देन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, जो भी एजुकेशन हो, हेल्थ एजुकेशन आम नॉर्मली जो स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ा हो, आजकल तो से समय ना बहुत चेंजेस होती, बट वुमेन मैंने भी खूब एम्पावर से मैंने खूब डेवलप तापर आहरी बहुत रही जे कि 100% आम से वुमेन को एम्पावर कर पार ना एजुकेशन दे पार ना, तो सहीटा केमी हो पार आम समस्त चेष्टा रमती गवर्नमेंट रे भी बहुत गुड स्कीम आसमी समस्त को फ्री ऑफ एजुकेशन दबा सेटा स्कूल स्कूल जो आम मिड डे मिल हो सेटा एवं जो गवर्नमेंट स्कूल सब बहुत गुड फैसिलिटी रोच जोटा कि समस्त केमती पाठ पढ़े। देन एज पर यूएन रिपोर्ट एजुकेशन फॉर वुमेन इज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव ओए टू इम्प्रूव द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ ए फैमिली एंड ए सोसाइटी एट लार्ज। तो यूएन रिपोर्ट अनुसार कौन ने एजुकेशन फॉर द वुमेन, जदि गोटे घर गोटे वुमेन एजुकेटेड हूँ ताल गोटे वुमेन ओनली वन सिंगल पर्सन जार इफेक्टिव कौन करे जे से तार फैमिली को इम्प्रूव करे, तार गोटे हेल्दी लाइफ मेंटेन करे एवं सोसाइटी मध्य खूब गुड डेवलप से करिपारे। ए वुमेन विथ एजुकेशन इज ए पावरफुल पर्सन। जितेबाला गोटे नॉर्मल वुमेन जहाँ कौन से एजुकेशन ना, किंतु जदि आम से कंपेयर करवा गोटे वुमेन विथ एजुकेटेड जदि ता भितर एजुकेशन अच्छे जे पाठ पढ़ी ता भितर बहुत गुड़े चेंजेस था, बहुत से बहुत ही एमती हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करहब, लाइफ मेंटेन करहब, फैमिली रो इम्प्रूवमेंट करहब, इनकम सोर्स को डेवलप कर पार, सब राइट डिसीजन बहुत गुड़े काम से माने करी पारंती। सी हाज द पावर टू एजुकेट द चिल्ड्रेन इन हर फैमिली, गाइड देम एंड टेकिंग द डिसीजन, कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली एंड ऑफर वैल्युएबल इनपुट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑन होम एंड सोशल फ्रंट। द
सी हाज द पावर टू एजुकेट। जदि निजे जड़े ओमेन पाठ पढ़ी से निश्चित भाव पिला को पाठ पढ़े पार फैमिली से पिला मानों को राइट डिसीजन नहीं पारी तांकर फ्यूचर पाई हो तांकर करियर पाई हो तांकर प्रॉपर गाइड मध्यों करी पारी बा देन टेकिंग डिसीजन माने प्रॉपर डिसीजन कोटा राइट कोटा रॉन्ग तार प्रॉपर डिसीजन नहीं पारी बा एवं कंट्रीब्यूट इकोनॉमिकली एंड ऑफर वैल्युएबल इनपुट्स आउ कौन करी पारी बा ना इतनी सब कला परे से इकोनॉमिकली मध्यों सपोर्ट करी पारी बा ता फैमिली को then and offer valuable inputs for improvement at home and social front women constitute almost half of a country population jodi ame ratio dekhiba men and women mana madhara am country dekhiba when 50% of the population is denied education ebe bi madhya achanti je 50% men au 50% women jodi amaro rohuchanti tale 50% women tale semanankar bi major rohuchi character bi rohuchi semanankar role bi rohuchi semane bi bahut gude dedication bi tankar society pai rahiba darkar jodi 50% women rohuchanti then a nation remains underdeveloped jodi ette parimane loko ette parimane women rohuchanti जदि से माने एजुकेटेड न हुवंती ताल तो गोटे कंट्री निश्चित भाव अंडर डेवलप्ड ही रहिबो देन एम्पावर्ड वुमेन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी जदि आमे वुमेन को एम्पावर करले से मान को एजुकेशन देले निश्चित भाव से माने तांकर बहुत गुडे डेवलपमेंट आम सोसाइटी रो डेवलपमेंट पई से मान को कंट्रीब्यूशन निश्चित भाव रहबो कोन से मान सब बुझी पारिबे जने अशिक्षित जने शिक्षित महिला आ अशिक्षित इलिटरेट भितरे बहुत डिफरेंस रहिछि देन कम्युनिटी एंड द नेशन इन न्यूमरस वेज विभिन्न वे रे गोटे वुमेन जदि एम्पावर से विभिन्न वे रे ता फैमिली सहित ता सोसाइटी सहित ता नेशन सहित तार कम्युनिटी सहित बहुत वे रे से डेवलप करे परबा तार कंट्रीब्यूशन रहिबस डेवलपमेंट पई देन एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पावर दैट सेव द लाइफ ऑफ मैनकाइंड जे सबुठ वुमेन जो एजुकेशन गोटे एमती अस्त्र जहाँ जितेबाला एजुकेशन जन पाखे थाए तार नॉलेज थाए जो पाठ जड़े पढ़ी थाए सी निश्चित भाव में गोटे ह्यूमन मैनकाइंड जो ह्यूमन सोसाइटी रो खूब मात्रा डेवलप से करपे एवं तार बहुत इंपोर्टेंस रोल रही प्रत्येक व्यक्ति विशेष एजुकेटेड हवा निहाती दरकार इट एम्पावर्स विथ द एबिलिटी टू थिंक जड़े पाठ पढ़ी से भल चिंताधारा तार थाए से ठीक भूल कौन से बुझीपे रिजन्स विभिन्न प्रत्येक कथार कारण से खोजे एवं खोजिकी पाईपे जो आम कौन गोटे प्रोब्लेम आसूची तेल प्रोब्लेमटा को सल्यूसन आम ज्ञान दरकार आम जब एजुकेटेड बहुत गुड़े आम अंधविश्वास को आम दूरे पार बहुत गुड़े जिन बहुत आम डेभलप निजक करने सहित निज पानर निज फैमिली निजर हेल्थ निज हेल्थ सहित निज पर कमी हेल्दी रि प्रपर डाएट सब दिगरे जड़े डेभलप कर पार टेक् आप्रोप्रिएट डिसीसन सब बड़े जड़े जो तार एबिलिटी तार एम्पावर्स हो जाए तार एबिलिटी से जाए से गोटे प्रॉपर आप्रोप्रिएट डिसीसन नहीं पार एंड प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द ऑपरेशन एंड अब्यूज आउ ता सहित से कौन करी सहित किसी अत्याचार हो किसी अपव्यवहार किए कर तार से अपोज करजक से प्रोटेक्ट कर देन हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया जदि आम सारा अराउंड द वर्ल्ड को आम देखा तो इंडिया को इनक्लूड करी देन वुमेन एंड ऑफन डिनाइड ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इवन दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया जदि इंडिया तो आम इंडिया टोटाली जब पॉपुलेशन को देखा जाए तो 48% वुमेन रोचान तेणु निश्चित भाव में बहुत मेजर रोल रोचे जैसे कि आम पॉपुलेशन एति रोचे वुमेन 48% रोचान तेणु से एजुकेटेड हवा निरकार ना कभी गोटे कंट्री के डेवलप कर ही पारना देन वुमेन एजुकेशन इज ए वेरी इंपोर्टेंट फॉर द प्रॉपर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री तेणु वुमेन एजुकेशन वुमेन मानक एजुकेशन जदि डेवलप हुए देन तर इम्पोर्टेन्स रहे सब बड़े सोशियाली इकोनोमिकाली ग्रोथ कंट्री इकोनोमिकाली सोशियाली तार कंट्रीब्यूशन बहुत हुए डेवलप पाई देन बोथ मेन एंड वुमेन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द कॉइन तेणु एंड रन इक्वली लाइक
टू ह्विल्स ऑफ द सोसाइटी। तेणु आजिकाली बर्तमान आम से हिं कौन सब प्रत्येक जगार निज फैमिली टू आरंभ करके आम कंट्री पर्यंत जदि आम सब जगार देखा मेन एंड वोमेन बोथ आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। तेणु गोटे मुद्रार दुईट पार्श्व पर उभयर बहुत गुड़े दायित्व आ कर्तव्य रही। खाली गोटे पुओटे जे सब घर प्रत्येक कम से संभव नुहे करवा निश्चित भाव से फैमिली के डेभलप करना। आजिकल तो बहुत चेंजेस है ओमेन मैंने बहुत एजुकेटेड से जो मैंने एजुकेटेड से मैंने बहुत भल भाव फैमिली मेन्टेन करपारती पिलामानंकर एजुकेशन टाक से पारती बुझीपारती सब। तेणु ओमेन मैंने निहाती भाव में इक्वाली मेन मेन मानक सहित चलवा दरकार देन टू ह्विल्स अफ द सोसाइटी। तो समाज जदि दुईटा चक कह जाए गोटे ओमेन आ गोटे मेन को बुझे बुझाजी। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। खाली केवल मेल बा खाली फीमेल नुहे बोथ मेन एंड ओमेन दे आर वेरी मच ऑफ रेस्पॉन्सिबल टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। दस रिक्वायर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन आमर इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन इक्वली दुईज एम्पावर हवा दरकार एजुकेटेड हवा दरकार मेन खाली नुहे मेन एंड बोथ ओमेन। इफ एनी वन ऑफ द बोथ गोज डाउन साइड सोशियाल प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। जदि इफ एनी वन जदि मेल आउ फीमेल ता भितर जदि केही भी जने गोटे फैमिली रे पुओ झियो सब मिसिक अछंदे जदि को भी साइड जदि तार डाउन रहौची ताहले आमर सोसाइटी केबे भी डेवलप हो पारिबो नाही। निश्चित भाव से जो अनुसार प्रोग्रेस करबा कथा से निश्चित डाउन साइड को ही जीवो। Then the constitution of almost all democratic countries include India guarantees equal rights to both men and women। तेणु बर्तमान आम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आम डेमोक्रेटिक कंट्री तेणु कन्स्टिट्यूशन यहाँ कर डेमोक्रेटिक कंट्रीज जे इंक्लूडिंग इंडिया जोड़ी जोड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छी जोड़ी लोक मानक पावरफुल पावर दिखाई से चूज कर तो आम डेमोक्रेटिक कंट्री कौन तो सहीटी इक्वल राइट्स दिखाई बोथ मेन आउ वोमेन मानक प्राइमरी एजुकेशन इज नाउ ए फंडामेंटल राइट। तेनाली कन्स्टिट्यूशन ये आम कराई जे एजुकेशन जोटा आम जो फंडामेंटल राइट एवरी वन सो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वोमेन एजुकेशन जिते रियलाइज धीरे धीरे आम डेवलप आड़ को गले जिते रियलाइज कराला जिते समस्त अनुभव कले जे वोमेन एजुकेशन टा के रिक्वायरमेंट सो द गवर्नमेंट एंड मेनी नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टुक ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट टू स्प्रेड वोमेन एजुकेशन। तापर धीरे धीरे कहला गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिते एनजीओ भी अच्छा बहुत गुड़े संस्था अच्छे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गवर्नमेंट टुक ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट निला ये तो टू स्प्रेड द वोमेन एजुकेशन। वोमेन एजुकेशन को कमी एम्फासीस् दिहब कमी से डेवलपमेंट हम कमी से स्कूल आसवे पाठ पढ़े से बहुत गुड़े प्रोजेक्ट करागला। तो बहुत गुड़े आम ओडिशार भी बहुत अच्छी जोटी की बहुत गुड़े आम डिस्ट्रिक्ट अच्छे जोटी की सेत बेस भी आज भी से डेवलप नुहे तेणु से सब जगह अनेक गुड़े प्रोजेक्ट कम करुचे जो कि केमी भी हूँ फ्री अफ एजुकेशन दिहे समस्ते पाठ पढ़ु कि शिखतु से गवर्नमेंट बहुत ही चेष्टा कर विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट थ्रुए तो लिटरेसी प्रोग्राम्स आर बीइंग टेकन इन फेवर ऑफ वोमेन। सब बेले वोमेन मानक इम्पोर्टेंस सब बेले दिया होची कि सेमानकर डेवलपमेंट टा केमिति हो इम्पोर्टेंस ऑफ वोमेन एजुकेशन। तो नेक्स्ट पढ़ा आम कहीं वोमेन एजुकेशन उपरे इतिक इम्पोर्टेंस आम दौंती तार कौन देले कौन टा आमर बेनिफिट हम। फर्स्ट हैला इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रथम होची जदि वोमेन एजुकेटेड हुए जड़े वोमेन जदि एजुकेटेड होची देन ताले इकोनॉमिकली से डेवलपमेंट निश्चित भाव में करी एजुकेशन विल एम्पावर वोमेन टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। जदि गोटे वोमेन एजुकेटेड होची से ता फैमिली को डेवलप करने सहित इकोनॉमिकली ता कंट्री को मध्य सेतिकि डेवलप से करी परिबो एवं तार कंट्रीब्यूशन बहुत रहिबो सोसाइटी पाई एवं ता फैमिली पाई इकोनॉमिकली देन इम्प्रूव लाइफ। तापर से कौन हो पार जदि एजुकेटेड हुए तो लाइफ रे मध्य अनेक गुड़े चेंजेस आसवे और से गोटे लाइफ हेल्दी लाइफ स्टाइल मेन्टेन कर लाइफ रे इम्प्रूवमेंट हम। एजुकेशन हेल्प्स ए वोमेन
टु लिव ए गुड लाइफ। एजुकेशन सबुबले हेल्प करे जेतिके आमे पाठ जेतले पढ़ती आम बहुत गुड़ी जिनस शिखी था आम मैनर आम बिहेवियर आम लाइफ स्टाइल आम कौटा कौन भूल कौन ठीक बहुत गुड़ी जिनस एजुकेशन ही शिखे थाए जड़े पाठ पढ़ले सब जिनस शिखे। सो हर आइडेंटिटी आज एन इंडिविजुअल वुड नेभर गेट लस्ट। जितेबले आम निजे निजर परिचय से समाज में सृष्टि करवा जितेबले आम एजुकेटेड हवा एवं आम निजक एम्पावर करवा सो तर आम से आम निज परिचय केवे हजिजी ना। She can read and learn about her rights। एवं खाली से नुहे ओमेन रण रईट्स अच्छे से ताकू जानवे और तार प्रपर यूटिलाइज कर। देन इम्प्रूवड हेल्थ लाइफ इम्प्रूव सहित तार हेल्थ इम्प्रूव हो पार कौन। एजुकेटेड गर्ल्स एंड ओमेन आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। सब एजुकेटेड गर्ल्स मैंने ही बुझीपारती से जो मैंने एजुकेटेड अनएजुकेटेड गर्ल्स वोमेन जी नलेज न थाए हेल्थ उपर बेस था एजुकेटेड मानक तो से भितर आवेरने थाए हेल्थ इम्पोर्टेन्सटा केम लाइफ हाइजीन मेन्टेन करवा के आवश्यक से सब से जानी था थ्रो हेल्थ एजुकेशन दे आर एम्पावर टू लीड ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो थ्रो द हेल्थ एजुकेशन तो आम भी बहुत बहुत गुड़े आम जो स्कूल सब विभिन्न करिकुलम अच्छी पाठ पढ़ा हो हेल्थ उपर भी पढ़ा हुए मशा कामुड़े कौन हम आम से मशारी बांधुँच तो आम जो आगे जाऊँ आम अन्य डिस्ट्रिक्ट को आम जाऊँचार भी अच्छे से जो जो मैंने आदिवासी लोक भी रोचे एत आवेयर नुहत जहाँपाई बहुत टाइम हेल्थ कन्सीयस नुहत बहुत टाइम से मृत्युमुखर पड़ती तो से ओमेन हेल्थ इम्प्रुवमेंट पाई एजुकेशन बहुत दरकार। They are empowered to lead a healthy lifestyle. Educated mothers can take better care of family. Educated mothers सब बड़े निजर हेल्थ केयर सहित फैमिली ता चिल्ड्रेन मानकर भल भाव से हेल्थ केयर टा से नहीं पारे। देन डिग्निटी एंड अनर एटा बहुत इम्पोर्टेंट कथा जमती कि आम जदि एजुकेटेड हूँ आमर इम्पोर्टेन्स सहित आमर सम्मान आम निजे रखिपर समाज रे। एजुकेटेड ओमेन बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स। आम बहुत जन ओमेन देखी जो मैंने खूब एम्पावर तो देखिए आम मैंने इन्स्पायर्ड हूँ जमती कि जदि आम आम निजर डिग्निटी क्रिएट करवा तो ऑटोमेटिकली आमको समस्ते रेस्पेक्ट करेंगे ता सहित आमको आम अन्य मानकर प्रेरणा हो पार आम अन्य मानकर इंस्पिरेशन हो पार आमको लोक फॉलो करेंगे आम लाइफ स्टाइल को देखिए और केमी जन एति बाट जापर तो बहुत गुड़े एनकरेज एनकरेज हे। देन जस्टिस एजुकेटेड ओमेन नो अबाउट देयर राइट्स। सब बड़े एजुकेटेड ओमेन मैंने सब जानी था व्हाट इज द राइट्स ऑफ देम सेमानकर राइट्सटा कौन दे फाइट्स एगेन्स्ट द इनजस्टिस लाइक डाउरी जो आम डाउरी सिस्टम अच्छी चिल्ड्रेन चाइल्ड म्यारेज है फीमेल फर्टिसाइड जमती कि भ्रूण हत्या है से सबूर से एगेन्स्ट करमती बहुत गुड़े फैमिली अच्छे जो इनलज रे बहुत गुड़े प्रॉब्लम हुए तो से आम आम को आम प्रोटेक्ट कर सहित आम आम आमर इनजस्टिस आमको जब कौटी जस्टिस न मिलू तो एगेन्स्ट आम जापर जब चाइल्ड म्यारेज को आम निजे अटक पार फीमेल पार्टिसाइड सब गोटे बाजे जोटा कि आम जेंडर आइडेंटिफाई करवा जदि झील आज भी सैटा कौटी कौटे गवर्नमेंट तो बैन कर कौटी कौटी हो भी पारे जमीक भ्रूण हत्या को से सब को आम एगेस्ट कर। देन रिड्यूस प्रॉवर्टी आउ गोटे मेन आम निश्चित भाव में जन जब ओमेन एजुकेटेड हुए से तार प्रॉवर्टी तार दारिद्रता निश्चित भाव में दूरे देवे किसी ना कि इनकम सोर्स देखा से कर। द ओमेन एजुकेशन इज सो मच रिक्वायर्ड टू रिड्यूस प्रॉवर्टी आउ ये दरकार ओमेन एजुकेटेड हवा दरकार से आम जदि पांच जन लोक गोटे लोक इनकम सोर्स गोटे आसमें पाँच जन आम चलुँ निश्चित भाव में आमको प्रॉपर्टीटा रबुबले आम सबूर आम प्रत्येक इच्छा आम फुलफिल कर पार मैंने आम बहुत गुड़े रिक्वायरमेंट रोटा फुलफिल हो पार ना तो जदि आम ओमेन मैंने तो फैमिली जदि एजुकेटेड हूँ तो निश्चित भाव में इनकम सोर्स रही ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीटा दूरे जीव तो ओमेन नीड टू टेक् इक्वाल बर्डन टू एलिमिनेटिंग पॉवर्टी तेणु ओमेन मैंने भी दायित्व और
ମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କିଛି ବର୍ଡ଼ନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ଦିସ୍ ଓଲ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ମେସିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଓମେନ୍, ଯେଉଁଟା ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଓମେନ୍ ଠାରୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆଶା କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି କେମିତି ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏତିକି ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନିଡ଼, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓମେନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଲେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ହେଉଛି। ତ ଓମେନ୍ ହୁ ଆର୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଆର୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଦେୟାର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହୁଏ, ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ତା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ସେ ନିଜେ ଚଳିପାରେ, ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଏନି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକାଲି ସପୋର୍ଟ କରେ। ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଆର୍ନିଂ କରେ ଏବଂ ତା'ର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ରହେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଓମେନ୍ ଆର୍ ବେଟର୍ ଇକ୍ୱିପାଡ଼୍ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ବେଟର୍ କ୍ୟାପେବଲ୍। ସେମାନେ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଓମେନ୍ ମାନେ ଜେନେରାଲି ବେଟର୍ କ୍ୟାପେବଲ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବାରେ, ତାଙ୍କର କେୟାର୍ ନେବାରେ, ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ହାଭ୍ ଗ୍ରେଟ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ସ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ସ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ, କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକାଲି ରାଇଜ୍ ହୁଏ, ସେ କିଛି କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ତା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ସ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍, ସବୁବେଳେ ସେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ହିଁ ନିଏ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ୱେ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ନେସନ୍ ଆଟ୍ ଲାର୍ଜ, ଆଉ ତା'ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଏତିକି ସବୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ତା ନିଜ ପାଇଁ କଲାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତା'ର ରହେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ। ନିଜେ ଆମେ ନିଜେ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ସହିତ ଆମର ଆଜ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍, ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଆମ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ତ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି କେମିତି ଆମ ସମାଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଆମର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବା ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା। ଦେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଓମେନ୍ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ କି ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପୋଜିସନ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଯେତେବେଳେ ଓମେନ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ବା ନେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ପଜିଟିଭ୍ଲି ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନିଏ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ସେ ଠିକ୍ସେ ନେଇପାରେ, ତ ପରଫେକ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଏ, କେମିତି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଏବଂ କରି ମଧ୍ୟ ପାରେ, ତାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଟପିକ୍, କେମିତି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାର ହେବା କେତେ ଜରୁରୀ ବା ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ସେମାନେ ହେବା କେତେ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ତ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଲେ ତ ପରେ ସେମାନେ ଏମ୍ପାୱାର ହେବେ, ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ଓମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ଦରକାର ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ଡ଼ନ ସେମାନେ ନେଇ ବି ପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା 4 semesterର ପିଲାମାନଙ୍କର, ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।